नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो की। तो आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग खत्म हो गई है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट था जो बाई बैक के लिए फैसला लेना था, वहां पे आपको यहां पे नोटिफाई कर दिया गया है। कितने अमाउंट पे आपको बाई बैक हो रही है, क्या रूट है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी 375 के आसपास विप्रो काम काज कर रहा है। अगर पिछले एक साल डेढ़ साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग आपको 30-35% का ये आपको डाउनफॉल आते हुए दिखाया आईटी के स्टॉक में, और खासकर विप्रो में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। आगे जाके हम लेटर में देख लेंगे कि हमें कितने अमाउंट का आपको बाई बैक होने वाला है, क्या रिकॉर्ड रेट है, रूट कौन सा रहता है, टेंडर है या ओपन मार्केट के थ्रू बाई के बैक करने वाले हैं, और मार्केट पे आगे जाके असर क्या रहने वाला है वो भी हम जाके टेक्निकल चार्ट पे समझ लेंगे। तो पहले लेटर की बात कर लेते हैं। 27 अप्रैल 2023 का ये लेटर जो आपको एक्सचेंज को नोटिफाई किया गया है, इसमें बताया गया है कि बाईबैक अप्रूव हुआ है 445 रुपये पर इक्विटी शेयर पे। 375 पे भी काम काज कर रहा है, ऑल टाइम हाई आपको 715 के आसपास है, जो पिछले एक साल में आपको लगभग 30-35% का डाउनफॉल आया है। उसके हिसाब से 445 कैसा मार्केट को रिएक्ट करेगा वो आपको आगे आके मैं टेक्निकल चार्ट पे आपको समझा देता हूँ। तो ये आपको टेंडर रूट के थ्रू यहाँ पे कंपनी बाई बैक करने वाली है, तो टेंडर रूट के थ्रू ये बाई बैक होगा और इसमें आपको 445 रुपये के टेंडर पे आपको यहाँ पे बाई बैक लेने जा रही है। अभी टेक्निकल आपको चार्ट की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम अगर हाई की बात करें तो 700-650 के बीच में जिन्होंने बाई किया होगा उनके लिए तो ये टेंडर रूट कोई फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि तो आपने बाई किया है 600 से ऊपर और आप यहाँ पे आप 445 में बेचना नहीं चाहेंगे। हाँ, जो नए इन्वेस्टर हैं, जो लोग अभी के लिए अगर है ना बाई करके सेल करना चाहते हैं, तो ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है मार्केट के लिए, विप्रो के लिए खास के। तो मुझे लगता है 360 के आसपास ये वापस से काम काज करेगा, क्योंकि बाई बैक है, टेंडर रूट है, तो यहाँ पे 360 पे इसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये 360 और 370 के बीच में जब जब ये कामकाज करेगा, न्यू इन्वेस्टर जो लोग लॉन्ग टर्म में लेके रखे हैं और लगता है कि उनको ज़्यादा अमाउंट अभी करना चाहिए बाईबैक के लिए, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब भी उनके लिए 360 से 370 के बीच का ही रेंज है, यहाँ पे बाई करके चलना है और टेंडर रूट में आप लगा सकते हैं। इसमें आपको मोमेंटम कोई ज़्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि 400 पे आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ऊपर आपको 445 पे आपको बाईबैक होने वाला है। तो ये पूरा स्टॉक जब तक इसका आपको रिकॉर्ड डेट चलेगा तब तक ये 360 से लेकर 375 के आसपास ही कामकाज करते हुए दिखना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और भी कोई क्यूरी रहती है किसी दूसरे स्टॉक्स रिलेटेड भी, तो काइंडली कमेंट करके कोई भी वीडियो में मेरे पूछ लिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो।